कोरोना महामारी के बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी चुनौती बनकर सामने आई है। इंदौर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने से राहत मिली थी, वहीं अब ब्लैक फंगस के मरीज भी ठीक होकर अपने घर को जा रहे हैं। आज शहर के एम्वा अस्पताल में ब्लैक फंगस से ठीक होकर 15 मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर को रवाना हुए। MTM मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित ने बताया है कि एम्वा अस्पताल से 15 मरीजों में ब्लैक फंगस को निकाल कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन्हें 5 दिन की दवाई देकर एक बार फिर 5 दिन के बाद फॉलोअप के लिए मेडिकल कॉलेज में आने के लिए कहा गया है। वहीं एम्वा अस्पताल के अधीक्षक PS ठाकुर ने बताया है कि हमारे यहां कुल 282 मरीज हैं, जिसमें से 15 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है और बाकी बचे हुए मरीजों के इलाज के लिए एम्वा अस्पताल के कई विभागों के डॉक्टर पूरी मेहनत कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के जिन मरीजों को इंजेक्शन की ज़रूरत है, उन्हें सरकार द्वारा मुहैया कराए गए इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। वहीं जिनका इलाज दवाई से हो सकता है, उन्हें दवाइयाँ दी जा रही है। PS ठाकुर ने बताया है कि ब्लैक फंगस से ग्रसित मध्य प्रदेश के लगभग आधे मरीज इंदौर में अपना उपचार करा रहे हैं। एम्वा अस्पताल में इंदौर के बाहर के जिले के कई मरीज ऐसे भी आए हैं जिनमें मस्तिष्क में इन्फेक्शन फैल चुका था। हालांकि एम्वा अस्पताल के डॉक्टर पूरी मेहनत के साथ मरीजों का इलाज कर रहे हैं और रोजाना एम्वा अस्पताल में लगभग 13 ऑपरेशन हो रहे हैं। इनमें आँख, ENT और साथ ही में दाँतों में संबंधित ऑपरेशन शामिल है। PS ठाकुर ने बताया है कि जिन मरीजों में आंखों का इन्फेक्शन इतना हो गया है कि वह मस्तिष्क में जा सकता है, उनका ऑपरेशन कर आंखें निकाली गई है। ऐसे मरीज बहुत सीमित संख्या में हैं। डिस्चार्ज किए, ओवरऑल क्या स्थिति? आज 15 अपन ने डिस्चार्ज किए हैं और इनका एंडोस्कोपी करके इनका जो रूट एरिया में जहाँ जहाँ फंगस था वहाँ निकाल दिया गया है और इनको 5 दिन के लिए दवाई दे दी गई है और 5 दिन के बाद इनको फॉलोअप के लिए मेडिकल कॉलेज में आने के लिए कहा गया है। जी, ऐसे कितने स्थितियाँ सर? अभी 175 और हैं। हाँ, इसमें से हम और कितने लोग जो इसको हैं? हमारे पास कुल 282 मरीज हैं जिनमें से 15 को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। और इसमें जो है इनकी जो जिनकी नेजल था उनको उनकी नेजल सर्जरी हुई है, जिनका आँख का था उनको आँख का हुआ है, तो उस तरह से वो डेंटल थी उनको डेंटल किया है। हमारे मेडिसिन विभाग, ENT विभाग, डेंटल विभाग, ऑप्थोलॉजी विभाग, एनेस्थीसिया, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरो सर्जरी, ये सब 8 विभाग मिलकर इनका इलाज कर रहे हैं और इनके लिए जो शासन द्वारा इंजेक्शन और जो दवाइयाँ उपलब्ध कराए गए हैं उनके माध्यम से इलाज किया जा रहा है। जिनको इंजेक्शन की आवश्यकता उनका इंजेक्शन से किया जा रहा है, जिनको टैबलेट से इलाज किया जाना है पोछाकॉन टैबलेट उससे उसका इलाज किया जा रहा है। और आज मुझे खुशी है कि आज हम 15 लोगों को डिस्चार्ज कर रहे हैं जो यहाँ पर आज ठीक होकर जा रहे हैं और 5 दिन बाद OPD में दोबारा आएंगे दिखाने के लिए। इनको अगर कुछ आगे कोई समस्या होगी तो उसका भी हम इलाज करेंगे और अगर नहीं है तो आगे की दवाई देकर उनको हम वापस भेज देंगे। कितने हैं सर? नहीं, गंभीर मरीज है, गंभीर मरीज निश्चित तौर पर गंभीर है क्योंकि हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेन अफेक्ट हो चुका है। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि हमारे डॉक्टर्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और अभी तक हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे जो आँख वाले पेशेंट हैं उनमें से अधिकतर का ये मान सकते हैं कि हमारे डॉक्टरों ने जिस टेक्निक के साथ इलाज किया है उसकी वजह से आज मस्तिष्क में उनका इन्फेक्शन नहीं फैला है। इसलिए आज आप देखेंगे कि अगर आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो अस्पताल हैं
उसमें से लगभग आधे मरीज आज एमआई अस्पताल में हैं। सर कितने मरीजों की आँख बचा पाए हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखिए आँख बचाने का ऐसा है कि कई उनमें कोशिश हो रही है रेट्रोवल्वर इंजेक्शन लगा के, जिससे उनके इन्फेक्शन आगे ना फैले, और उनको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, टेबलेट दी जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने कई लोगों की आँखें बचाने में सफल होंगे। लेकिन जिनका इन्फेक्शन इतना फैल चुका है आँख में कि जिससे मस्तिष्क में जा सकता है, उनकी आँख निकालने का ऑपरेशन भी हो रहा है। कितने हैं? नहीं, ये सबकी अलग अलग संख्या है। कुल हमारे 13-14 ऑपरेशन टोटल डेली हो रहे हैं, उसमें आँख वाले ऑपरेशन भी हैं, ENT वाले भी हैं और दाँत वाले भी हैं। हमारे पूरा टीम के रूप में काम किया जा रहा है। और अगर अभी हम बात करें 288 मरीजों में से अभी तक कितनों की आँख जो है वो निकालना पड़ता है? नहीं, आँख के ऑपरेशन हुए हैं करीब, मतलब बहुत सीमित संख्या में हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन अभी हम आँख के ऐसे नहीं हुए जिनमें निकालना पड़े। अभी हम लोग रेट्रोबल्बर इंजेक्शन लगाकर ही अधिकतर का इलाज कर रहे हैं। लेकिन जो गंभीर हालत में आए हैं, जैसे कई लोग क्या है बाहर से रतलाम से हुए हैं या नीमा से रेफर हुए हैं या बुरहानपुर से रेफर हुए हैं, तो उस कंडीशन में आए थे जिनका इन्फेक्शन ऑलरेडी फैल चुका है। 24 मरीजों की इनमें से डेथ हो चुकी है। हाँ, तो क्या इसका मॉर्टिलिटी रेट? मॉर्टिलिटी रेट तो वैसे भी 40-80% है, लेकिन अगर आप इस हिसाब से देखेंगे कि 282 तो आज है हमारे पास, इसके अलावा करीब हमें 32 करीब मरीज हम डिस्चार्ज कर चुके हैं अभी, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हिसाब से इलाज हो रहा है। क्योंकि जो मस्तिष्क में इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं उनमें तो मृत्यु की संभावना बहुत हाई है, 90% तक है। उसके बावजूद भी उनमें भी हमारा डेथ रेशो बहुत कम है। ये मेरे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हमारे मेडिकल कॉलेज के MI के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सफलता है। निश्चित तौर पर वो दिन रात काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, हम निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सफल होंगे, हो रहे हैं और होंगे। सर अभी किस तरह की प्रिकॉशंस जो डिस्चार्ज किए उनको प्रिकॉशन नहीं प्रिकॉशंस के लिए हमारे जो डॉक्टर अभी जैसा अभी डिस्चार्ज का एक जो शेयरमैनी की गई है वो एक औपचारिक थी, लेकिन अभी सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं पूरा उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको सावधानी कौन कौन सी रखना है। देखिए सबसे बड़ी सावधानी वही है कि अभी घर से बाहर नहीं निकलना है किसी भी हालत में, और जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं, जो आपको अगर आई ड्रॉप दी गई उसका आपको प्रॉपर उपयोग करना है और उसके हिसाब से रहना है। क्योंकि ये मतलब डॉक्टर्स की जिम्मेदारी तो है, साथ में मरीजों के उनके अटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसका ध्यान रखें कि इन्फेक्शन आगे नहीं फैले, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी है, ये सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।